स्टूडेंट्स, ये पार्ट टू है बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2018 का। केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है ये, और इसमें फिर से हम डिटेल्ड आंसर्स देखने जा रहे हैं विद सेवरल प्रोबेबल आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 139 से। द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी कैटलाइज बाय एडिंग। इसका आंसर होगा NaCl या सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140। इन सॉल्वे प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज रॉ मटेरियल। सॉल्वे प्रोसेस में हम जो इंग्रेडिएंट या रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो होता है NaCl, और इसके अलावा अमोनिया भी इसमें यूज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसमें यूज होता है, और इसमें कोक का यूज होता है। चार चीज़ें यूज होती हैं, KCl इसमें यूज नहीं होगा, तो KCl आपका सही आंसर यहाँ पे बनता है। साथ ही साथ आप ये जान लीजिए कि सॉल्वे प्रोसेस जो यूज़ होता है वो होता है प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए Na2CO3 और NaSCO3 के लिए। NaSCO3 इसे हम क्या कहते हैं, वाशिंग पाउडर, वाशिंग सोडा या धावन सोडा या सोडा एस, और इसको कहते हैं हम खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 141 कहता है डायलूट सॉल्यूशन ऑफ अल्काली मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज। डायलूट सॉल्यूशन अगर अल्काली मेटल का लें तो लिक्विड अमोनिया में वो कैसा होगा? तो देखिए डार्क एंड ब्लू भी होगा वो इन कलर, पैरा मैग्नेटिक भी होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे परफेक्ट है, यही आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये बहुत अच्छा, बहुत आसान सा सवाल है। एनी मेटल इज नॉट कैप्ड इन केरोसिन ऑयल, ये सबसे बड़ा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन ये है कि आपने कभी देखा होगा लैब में कि कभी भी आप सोडियम को ऐसे नहीं रखते। अगर उसको आप सीधे रख दो किसी जगह पे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद वो फौरन जल उठता है, तो आग लग जाएगी लैब में, इसलिए हमेशा उसको केरोसिन में डुबो कर ही रखा जाता है। तो बी इज इनकरेक्ट, और ये बहुत आसान सा सवाल था। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म ओनली नॉर्मल ऑक्साइड बट नीदर परऑक्साइड नॉर सुपर ऑक्साइड। सवाल पूरा नहीं आया स्क्रीन पे, एक सेकंड। तो इसका आंसर होगा लिथियम, क्योंकि लिथियम सिर्फ ऑक्साइड बनाता है। अगर हम सोडियम की बात करें, लिथियम के बाद आता है सोडियम का नंबर इस ग्रुप में, तो सोडियम हमारा परऑक्साइड भी बनाता है, और इसके बाद जितने भी हैवी मेटल्स हैं वो सबके साथ सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे लिथियम ही होगा। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमने ढूंढना है, तो ये होगा सी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और फ्लो ऑफ करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में माना जाएगा कहीं भी अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 145। इन स्ट्रक्चर ऑफ SiO2 इज सिलिकॉन एटम इज अटैच्ड विद। हर एक सिलिकॉन एटम अटैच्ड होता है 4 ऑक्सीजन एटम से, तो आंसर हो जाएगा डी। और अगर पूछा जाता कि ऑक्सीजन एटम कितने सिलिकॉन एटम से अटैच्ड होता है तो आंसर आता 2। तो ये दोनों पॉइंट नोटेबल हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। 146। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म पूछी है इनमें से, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट लगता है, क्योंकि ये सभी फॉर्म्स तीनों की तीनों प्योरेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 148। इन सॉलिड स्टेट बेरिलियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में पूछा है, सॉलिड स्टेट में बेरिलियम जो होता है वो होता है पॉलीमर, तो राइट आंसर यहाँ पे सी है। अगेन देखिए यहाँ पे सी बोर्ड बनाया हुआ है, जो हमने कल भी बात की थी आपसे पहले वीडियो में, सॉरी, कि यहाँ पे भी बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि जो आंसर निकल रहा है वो बोर्ड में टाइप्ड है, और इसे पहले 146 में भी आपने देखा ए बोल्ड से लिखा हुआ है। तो ऐसा बहुत सारे सवालों में दिया हुआ है, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसको हाईलाइट नहीं किया गया है। अगर सवाल आता वेपर स्टेट पे तो आंसर आपका क्या होता है, डाइमर। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हैं जो नोट वर्ड दिए हैं, आप इनको नोट करके रखिए, अगला सवाल हो सकता है कि ऐसा ही घूम करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस टू वाटर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। सिंथेटिक ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज रिएजेंट्स रिमूव ओनली परमानेंट हार्डनेस।
बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्राइड गैप रीजन इन द पीरियोडिक टेबल रीजन सॉरी रीजन हाइड्राइड गैप रीजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसका आंसर होगा 7, 8 एंड 9, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और बात ये आती है कि हाइड्राइड गैप रीजन क्या कहलाता है, क्या होता है, तो ये होता है वो एलिमेंट्स जो हाइड्राइड नहीं बनाते हैं उनको हम कहते हैं कि ये हाइड्राइड गैप रीजन में होने, मतलब हाइड्राइड गैप रीजन के एलिमेंट्स हैं, जैसे एमन, एफई, आयरन और कोबाल्ट या सीओ। क्वेश्चन नंबर 151, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन्स। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा सी। एट रूम टेम्परेचर ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है 75% पैरा हाइड्रोजन एंड 25% ऑर्थो हाइड्रोजन। ये गलत है, यहाँ पे 25 पहले आना चाहिए, 75 बाद में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 152, ऑक्सीजेशन नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक सल्फर एटम इन H2S2O8 एंड H2SO5 रेस्पेक्टिवली इज 6 और 6 होगा, क्योंकि आप जानते हो H2S2O8 क्या होता है, ये होता है पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या इसे हम मार्शल्स एसिड भी कहते हैं। और अगर हम बात करें H2SO5 की, तो ये होता है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 क्या कहता है, 1 mole ऑफ अमोनिया लूजेस 6 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन न्यू कंपाउंड इज, एज्यूमिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिमेन्स द सेम। तो देखिए अमोनिया क्या है, यहाँ पे ये होता है अमोनिया, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए नाइट्रोजन का, यहाँ पर तो क्या होगा एन, और ये कितना है +3 = 0, तो एन इज इक्वल टू -3 निकलता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है यहाँ पे, जब 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +6 आएगा इस पर, और ऑलरेडी कितना है -3, तो ये हो जाएगा प्लस का थ्री आपका ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये पूरे पीरियडिक टेबल में क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये था चैडविक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 156 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज ड्यूरिंग डीके। रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस कौन सा इनमें से नहीं निकालते, तो ये होता है प्रोटॉन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं इस दौरान, न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, और हीलियम न्यूक्लियाई या अल्फा पार्टिकल्स भी निकलते हैं, तो प्रोटॉन बस बचे हैं जो कि नहीं निकलते रेडियोएक्टिव डीके में। 157 नंबर सवाल कहता था, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड्स इनटू अल्कोहल्स इन्वॉल्व्स सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती ही हैं, तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल इज लेस एसिडिक देन। अब देखिए 158 नंबर में आपका राइट ऑप्शन होगा मिथॉक्सीफिनॉल, ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल, और यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, वो कुछ इस ढंग से होता है। आपका सबसे पहले आएगा ऑर्थो, देन मेटा सॉरी देन पैरा और फिर फिनोल, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 159, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिनोल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इथेनॉल्स ऑन रिएक्शन विद, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही होगा, इन सभी से हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 161, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विल डिपेंड अपॉन, 161 ऑप्शन ए इज करेक्ट, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड होती तो वो ग्रीन हाउस गैस थी, और बाकी सब की सब ग्रीन हाउस गैस हैं। अब आप जानते होंगे ग्रीन हाउस क्या होता है, नहीं जानते आप कमेंट कर सकते हैं, देन अगले वीडियो में आपको समझा देंगे, अदरवाइज ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फटाफट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अरेंज द हैलोजन एफ टू सी एल टू बी आर टू एंड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद एल्केन्स। तो इनकी रिएक्टिविटी विद एल्केन वैसी ही होती है जैसे कि इनकी नॉर्मल रिएक्टिविटी मानी जाती है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्लोरीन, देन आयोडीन, देन ब्रोमीन। तो फ्लोरीन आप लगा लो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ऑप्शन डी है ये, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ ब्रोमीन उसके बाद आयोडीन सबसे कम होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट 164, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, इनमें से किस में आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार लौट के आता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एल्काइल हैलाइड्स। क्वेश्चन नंबर 165, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ऑल द फिजिकल प्रोसेस स्टॉप एट इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 क्या कहता है, के ए फोर सी एच थ्री सी ओ एच इज 1.8 इन 10^-5 एंड के बी फोर एन एच फोर ओ एच इज 1.8 इन 10^-5 द पी एच ऑफ अमोनियम एसिटेट विल बी। यहाँ पे पी एच निकालने के लिए फार्मूला यूज होगा ये, पी एच इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी के डब्लू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। ए और बी की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, आप रख सकते हो इनको, ये हो जाएगा 1/2, ये होगा 14 माइनस लॉग 1.8 इंटू 10^-5 प्लस लॉग 1.8 इंटू 10^-5, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 14/2, मतलब 7, और 7 होगा आपका ऑप्शन सी में। अगेन देखिए यहाँ सी फिर से बोल दिया हुआ है, तो ऐसी मिस्टेक थी जिसको पता नहीं किसने किया था और क्यों इसको इग्नोर किया गया। 167 क्या कहता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन प्रेशर प्रोवाइडेड द वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम अगर कॉन्स्टेंट रहेगा तो ऐसे में क्या होगा, जैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी, सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो कोलिजन है वो बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा अभी हमने थोड़ी देर पहले एक सवाल बताया था, बेकिंग सोडा का नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला, ये होगा C2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 170 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में, तो इट इज़ नॉट अ टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, बाकी सब चीज़ हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।